तो भाई लोकल यानी कि 15 मार्च को हमें तीन फिल्में देखने को मिला है। पहला है सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म अयोध्या, वही दूसरा है अदा शर्मा की फिल्म बस्तर द नक्सल स्टोरी, वही तीसरा फिल्म है कुंग फू पांडा पार्ट 4। तो भाई इन तीनों फिल्मों को मैंने देख लिया है और सही बताऊं तो भाई ये सभी फिल्में एक से बढ़कर एक है। एक फिल्म में हमें एक्शन थ्रिलर स्टोरी देखने को मिलता है तो वही दूसरे फिल्म में हमें एक क्राइम ड्रामा स्टोरी देखने को मिलता है। साथ ही ये बताया गया है कि ये फिल्म एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है। वही तीसरे फिल्म की स्टोरी में हमें एक कॉमेडी एक्शन स्टोरी देखने को मिलता है। तो भाई आज के इस वीडियो में मैं इन तीनों फिल्मों का एक साथ रिव्यू करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म योद्धा के बारे में। इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक टास्क फोर्स है जिसका नाम है योद्धा, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा एक ऑफिसर है। तो एक दिन होता है प्लेन हाईजैक जिसे अपने योद्धा बचा नहीं पाते हैं, जिसके चलते उन सभी लोगों को सस्पेंड कर दिया जाता है। फिर हमें एक साल का टाइम जंप देखने को मिलता है जहाँ फिर से एक बार और प्लेन हाईजैक होता है। लेकिन मामला यहाँ पर कुछ ऐसा है कि अपने भारत के सरकार को लगता है कि यह प्लेन हाईजैक सिद्धार्थ मल्होत्रा नहीं किया है, वो एक टेररिस्ट है। तो क्या सच में एक योद्धा देशद्रोही है या नहीं, वो जानने के लिए आपको ये फिल्म देखना पड़ेगा। फिल्म का फर्स्ट हाफ काफी अच्छा है और फास्ट भी है। ये फिल्म आपको शुरू से ही इंगेज करके रखती है। फिल्म के शुरुआत के 10-15 मिनट में हमें एक वन शॉट वाला एक्शन सीन देखने को मिलता है जो हमें ट्रेलर में भी देखने को मिला था। और सही बताओ तो भाई इस सीन को बड़े पर्दे पर देखकर मजा ही आ गया। वही इसका सेकंड हाफ मुझे थोड़ा सा खिंचा हुआ लगा और फिल्म का क्लाइमेक्स मुझे उतना कुछ खास लगा नहीं, क्योंकि इस फिल्म में भी हमें वही हिंदुस्तान और पाकिस्तान वाला एंगल देखने को मिलता है और यहाँ पर भी हमें पाकिस्तान को बचाते हुए ही दिखाया गया है। तो भाई इसका सेकंड हाफ उतना कुछ ठीक नहीं लगा मुझे। वही बात एक्शन की करे तो भाई साहब एक्शन के मामले में ये फिल्म काफी टॉप नॉच है। फिल्म में दिखाया गया एक्शन काफी जबरदस्त है जो देखने में काफी अच्छा लगता है। फिल्म के शुरुआत के वो वन शॉट वाला एक्शन सीन से देख लो या फिर 30,000 फीट की ऊंचाई में प्लेन में चलने वाला फाइट सीन को ही देख लो, ये सभी फाइट सीन काफी जबरदस्त है। वही एक्टिंग के मामले में भी सभी स्टार कास्ट ने काफी अच्छा काम किया है। सिद्धार्थ मल्होत्रा को देखने पर आपको उनकी शेरशाह मूवी वाली एक्टिंग की याद आ जाएगी। राशि खन्ना ने भी काफी अच्छा काम किया है। यही बात दिशा पटनी की तो भाई साहब पहली बार मुझे दिशा का काम सबसे अच्छा लगा। और हाँ इस फिल्म में हमें दिशा का एक ट्विस्ट भी देखने को मिलता है। बाकी बात इसके बैकग्राउंड म्यूजिक की करे तो इसका बीजीएम भी काफी अच्छा है और इस फिल्म में दिखाया गया सिनेमेटोग्राफी और कैमरा वर्क भी काफी कड़क है। ओवरऑल कहूँ तो भाई फिल्म तो अच्छा लगा मुझे, बस इसका क्लाइमेक्स भी अच्छा रहता तो और भी मजा आ जाता। बाकी इसका एक्शन काफी अच्छा है तो मैंने तो इस फिल्म के एक्शन को काफी एंजॉय किया और आप सभी लोग इस फिल्म को एक बार तो देख ही सकते हो। मैं रहूं ना रहूं देश हमेशा रहेगा। वही दूसरा फिल्म है अदा शर्मा की बस्तर द नक्सल स्टोरी। फिल्म की कहानी में हमें दिखाया गया है कि कैसे भारत के अंदर ही भारत को तोड़ने का साजिश रचा जा रहा था और कैसे बस्तर में नक्सलवाद और माओवाद पनपता था और कैसे बस्तर के गांव में रहने वाले आदिवासियों को ये नक्सली लोग बिना मतलब के मारते थे। यानी कि कहे कि अगर आदिवासियों ने भारत का तिरंगा फहराया तो उन बेचारों को बड़े ही बेरहमी से मारते थे, अगर उनका कहना कोई ना माने तो उनको भी जान से मार देते थे और यहाँ तक कि इन सभी नक्सलवादियों को सरकार में रह रहे लोगों की तरफ से फंड भी मिलता था। तो भाई हमें यही सब देखने को मिलता है इस फिल्म में। फिल्म को देखते समय भाई आप लोगों का रूह कांप जाएगा क्योंकि इस फिल्म में हमें बहुत सारे ब्रूटल सीन्स देखने को मिलता है और जिस बेरहमी और ब्रूटालिटी से ये नक्सली लोग लोगों को मारते थे वो देखने के बाद आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि भाई ऐसा भी कुछ होता था अपने देश में। एक तरह से कहा जाए तो ये नक्सली लोग किसी आतंकवादी से कम नहीं थे। फिल्म में हमें जितने भी कलाकार दिखाए गए हैं उन सभी लोगों ने काफी अच्छा काम किया है। बात करें अदा शर्मा की तो अदा शर्मा ने भी काफी अच्छा काम किया है। उनकी एक्टिंग वैसा ही है जैसे हमने द केरला स्टोरी में देखा था। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है सुदीप्तो सेन ने, जिन्होंने इससे पहले द केरला स्टोरी जैसी फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं। फिल्म का डायरेक्शन और कैमरा वर्क ठीक ही है, बस फिल्म में थोड़ा सा और ब्राइटनेस होता तो अच्छा रहता क्योंकि फिल्म में जो दिन वाला सीन था वो भी काफी डल और डार्क दिख रहा था। अब ये थिएटर्स वालों की गलती है या फिल्म ही वैसी है वो तो पता नहीं। बाकी इस फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिला है यानी कि इस फिल्म को एडल्ट लोग ही देख सकते हैं और इस फिल्म को 18 साल से ऊपर वाले लोग ही देख सकते हैं। बाकी फिल्म में हमें रियल इंसिडेंट के कुछ फोटोज और अखबार के फोटोज को भी दिखाया गया है जिससे ये फिल्म और भी रियल लग सके। तो ओवरऑल ये फिल्म मुझे अच्छी लगी और आप लोग भी इस फिल्म को देख सकते हो। वही तीसरा फिल्म है कुंग फू पांडा 4। इस फिल्म की कहानी में हमें दिखाया गया है कि जो अपना पांडा है अब उसको अध्यात्म गुरु बनना है लेकिन वो बनना नहीं चाहता क्योंकि वो ड्रैगन योद्धा ही बने रहना चाहता है और उसे ड्रैगन योद्धा बने रहने में ही अच्छा लगता है। तभी एंट्री होती है कमेलियन की जो इस फिल्म का विलन है, जिसके पास कुछ ऐसा पावर है कि जो अपने सामने वाले कंपोनेंट के पावर को कंज्यूम कर लेती है और अपने सामने वाले शख्स का भी रूप धारण कर सकती है। तो आगे इस फिल्म में हमें इसके स्टोरी के साथ में काफी सारा एडवेंचर देखने को मिलता है और भाई सही बताओ तो इस मूवी को देखते समय आपको एक नॉस्टैल्जिया फील होता है और आपको वो पुराने दिन याद आ जाएंगे जो हमने कुंग फू पांडा के साथ में बिताए थे। इस फिल्म को देखते समय आपको बहुत मजा आएगा। इस फिल्म का एक्शन, कॉमेडी और एनिमेशन सब कुछ टॉप क्लास है। इस फिल्म को देखते समय आपको इसके पुराने फिल्मों का वाइब जरूर आएगा। मैंने इस फिल्म को हिंदी डब में देखा और सही बताओ तो भाई इसका हिंदी डब भी काफी अच्छा है और मैंने बहुत दिनों के बाद कोई एनिमेशन फिल्म देखा जो मुझे काफी पसंद आया। इस फिल्म को देखने से पहले आपको इसके पुराने तीनों पार्ट देखने होंगे क्योंकि ये फिल्म इसके तीसरे पार्ट से कनेक्टेड
रिलेटेड है। तो भाई लोग मुझे तो ये फिल्म काफी अच्छा लगा और आप लोग इस फिल्म को अपने पूरे फैमिली के साथ में भी जरूर देख सकते हो। पीछे हटो, अब मैं बजाऊंगा अपनी खुद की बैंड। तो भाई लोग इन तीनों फिल्मों में से आप किस फिल्म को सबसे पहले देखना चाहोगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही फिल्मों के रिव्यू के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।